जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ये 48-50 साल पहले की मांग आज पूरी हो रही है, तो निश्चित रूप से आज ऐतिहासिक गौरवशाली दिन है। इस बराल प्रखंड के लिए, गढ़वा जिले के लिए, केकरिया पंचायत के लिए क्या यहां 4 करोड़ से अधिक लागत, लगभग 4 करोड़ 10 लाख, 4 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से इस सुदूरवर्ती पंचायत कहे तो गढ़वा विधानसभा का अंतिम छोर कोयल नदी के किनारे इतना मनोरम, इतना सुंदर प्राकृतिक छटा, जहां आते ही लगता है कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा आ गई, एक स्फूर्ति आ गई। और ऐसे स्थान पर आज स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है, ये पूरे मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है ही कि मेरे अथक प्रयास से। और सबसे बड़ी बात कि जो मैं कहता हूं उसे करने के लिए मैं कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखता हूं, और मेरे अथक प्रयास का इसके पहले, अभी तो मैं इस विभाग का मंत्री भी हूं, लेकिन जब ये स्टेडियम सैंक्शन हुआ, इसे प्रशासनिक स्वीकृति मिली, उस समय मैं इस विभाग का मंत्री नहीं था, मंत्री दूसरे थे, हफीजुल अंसारी साहब थे। बार बार कहते थे कि भैया इतना बड़ा पैसा एक ही स्टेडियम में ले जाइएगा, सभी जगह देना है, सब पंचायत में स्टेडियम छोटा छोटा बनवाना है। हमने उनसे यही कहा था कि मैं जो वादा करता हूं जनता से, वो वादा पूरा करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूं, और आपको अटौला में स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम देना होगा। और मेरे जिद का परिणाम आज धरातल पर यहां उतर कर आया है, और अटौला का नाम अब पूरे ऐसे टोटोला ऐतिहासिक, यहां ऐसे ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए, ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए, ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए कि अटौला किसी नाम का मोहताज नहीं है। लेकिन आज अटौला की ख्याति में एक और नाम जुड़ गया, अटौला और अब विख्यात हो जाएगा। पूरे झारखंड ही नहीं, अगल बगल के प्रदेशों में भी लोग एक सुसज्जित खेल स्टेडियम यहां जब बनकर तैयार होगा, और मैं आज वादा करता हूं जिस दिन स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा, एक राष्ट्रीय स्तर का हम यहां आयोजन फुटबॉल का करवाने का काम करेंगे। और एक कमी कि पहले भी मैं आया हूं यहां, और हमने ही यहां निर्णय लिया था, हमने अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता गढ़वा में कराने का काम किया था, जो गढ़वा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। और मैंने ही निर्णय लिया था कि अटौला के खेल मैदान में, अटौला का जो फुटबॉल मैदान है, वहां भी मैच का आयोजन हो। जाने का रास्ता भी नहीं था बहुत अच्छा, फिर भी मैंने यह निर्णय लिया, और बहुत अच्छे ढंग से सारे अटौला के हमारे खेल प्रेमियों ने, हमारे अभिभावकों ने, हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों ने मिलकर और बहुत अच्छा आयोजन यहां कराने का काम किया। लेकिन आज जब मैं आया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैदल चलकर जाकर वहां भूमि पूजन करना पड़ेगा, शिलान्यास करना पड़ेगा। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि रास्ता यहां था, हम लोगों का गाड़ी तो मैदान तक जा रहा था, आज रास्ता कैसे बंद हुआ।
तो कुछ जानकारियां मिली हमारे अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़े समाज से भी हमारे 2009 से हमारे तो पहले हम तो बचपन से ही इस गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। जो लोग जानते हैं हमारे पूर्व मुखिया जी है और भी बहुत सारे लोग, सभी लोग जानते हैं कि अटोला से मेरा क्या लगाव रहा। और हमारे रामकृष्णा तिवारी जी हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं और मालूम चला कि उन्हीं का रैयती जमीन है और अभी उसमें खेती कर दिया गया है। मैं आग्रह करूंगा अपने अभिभावक से कि अपने परिवार से, अपने सभी लोगों से सलाह मशविरा करके, और आपने समाज को बहुत कुछ दिया है, समाज सेवा में आप बहुत अग्रणी भूमिका में रहे हैं, परिवार के सभी सदस्यों से राय मशविरा करके और ईश्वर से ने आपको इतना सक्षम बनाया है, इतना सक्षम बनाया है कि आपको किसी चीज की आप मोहताज नहीं है। तो खेल प्रेमियों के लिए और अटोला के मान सम्मान के लिए आप आवाजाही का एक रास्ता दे दे ताकि स्टेडियम न उत्पन्न हो और यहां जब खिलाड़ी खेलने आए तो उन्हें भी किसी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि मैंने अभी घोषणा किया है कि जब ये स्टेडियम पूर्ण होगा तो मैं राष्ट्रीय स्तर का एक टूर्नामेंट यहां कराऊंगा और उसके गवाह आप सभी लोग होंगे जितने लोग यहां हैं और पूरा गढ़वा जिला, पूरा पलाम उपमंडल और पूरा झारखंड उसका गवाह होगा। झारखंड राज्य की राजधानी से भी खेल प्रेमी आएंगे, खेल के जो पदाधिकारी है वो आएंगे। ये बार बार मैं अपने अभिभावक से आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके खिलाड़ियों के और की सुविधा को देखते हुए और अटोला के मान सम्मान को देखते हुए उचित कदम उठाने का काम करेंगे। आज शिक्षक दिवस भी है, बहुत सारे गुरुजन भी हमारे यहाँ उपस्थित है, मैं क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा। और आपका ही देन है, आपके ही दिए हुए संस्कार, आपकी दी हुई शिक्षा के बदौलत ही आज गढ़वा के विकास का मौका मिला और आज गढ़वा चहुमुखी विकास कर रहा है। ये मुझे अपने मुंह से कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है, कोई संकोच नहीं लगता है कि गढ़वा आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। पहले लोग रोड, नाली, पानी के लिए, बिजली के लिए तरसते थे और आज आधारभूत संरचनाओं का विकास काफी तेजी से हो रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, और आधारभूत सुविधा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में, और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में तो कुछ कहना ही नहीं है। आज हम कहें कि ये जो हमारी सरकार का कार्यकाल है 4.5 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल कोरोना में बीता, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया बिना किसी गलती के, बिना किसी साक्ष्य के जेल भेजा गया। बावजूद इसके जो काम आम जनता को केंद्र में रखकर आम जनता के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए जो जो काम इन 4.5 वर्षों में हुए, ये 19 वर्ष पर भारी होगा, ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। हर एक वर्ष के लोग आज हम लोग, आज शिक्षक दिवस भी है, हम सावित्री बाई फूले योजना लागू कर रहे हैं। सावित्री बाई फूले के इतिहास से कोई ना वाकिफ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हम लोगों ने सावित्री बाई फूले कन्या समृद्धि योजना हम लोगों ने लागू किया, उसके माध्यम से हम लोग बच्चियों को 8वां क्लास से लेकर 12वें क्लास तक में 40,000 रुपया हम लोग उनको देने का काम कर रहे हैं ताकि वो अपने माँ पिता के ऊपर बोझ न बने। और कल माननीय मुख्यमंत्री ने रांची में घोषणा किया है कि कई साल से 49 साल की जो हमारे बहन बेटियां हैं उनको जो हम लोग मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं,
उसमें अब नया अध्याय जुड़ गया। अब 18 साल की हमारी बहन बेटियों को 18 साल की उम्र से ही हम लोग और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, अभी समय की कमी है, बारिश भी है आने का की संभावना है और बहुत सारे कार्यक्रम है। आज शिक्षक दिवस के भी कार्यक्रम है, हमारे गुरुओं को भी सम्मानित करना है। आज खेल की जो संघ है ओलंपिक गढ़वा ओलंपिक संघ की ओर से भी कार्यक्रम रखा गया है, हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स की ओर से भी कार्यक्रम रखा गया है, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में भी हमें जाना है और अपने बखान में अपने कामों का अपने मुंह नहीं करना चाहता। ये अपने आप में आकलन करने की जरूरत है कि पहले भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, पहले भी इस क्षेत्र से मंत्री रहे, विधायक रहे, जात पात के नाम पर, भाई गुपिया के नाम पर, कभी दबंगता के साथ, कभी जमींदारी के नाम पर, कभी राजशाही के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट लूटा गया और उसके बाद जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया और उसी का परिणाम कि आज गढ़वा जिले के माथे पर सबसे पिछड़ा जिला होने का कलंक और गढ़वा विधानसभा के माथे पर सबसे पिछड़ा विधानसभा होने का कलंक सबसे बड़ी सबसे बड़ा अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो पूर्व के जनप्रतिनिधि गण है, पूर्व के विधायक गण है, सांसद गण है, क्योंकि आज भी वही विधायक है, आज भी वही विधायक का जो क्षेत्राधिकार है आज भी वही है, विधायक की शक्ति भी वही है, लेकिन पहले के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति और मेरी इच्छा शक्ति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आज काम के नाम पर वोट हो, क्योंकि मताधिकार का जो जनता को के पास अधिकार है अपने मत का, वो विकास के लिए अपने हक अधिकार के लिए, अगर उसको आधार बनाकर वोट हो तो आज जो लोग घूम रहे थे कुकुरमुत्ते की तरह जहां तहां बरगलाने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर विकास के नाम पर वोट हो, काम के नाम पर वोट हो, जनता के हक अधिकार के नाम पर वोट हो, तो वैसे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, आज शिक्षक दिवस भी है और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को जागरूक करने में, और जनता को जागरूक होना नितांत आवश्यक है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनप्रतिनिधि जनता का शोषण करने में कभी बाज नहीं आएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जब आता था तो मैं ये कहता था कि एक बार जनता मुझे मौका देगी और विकास के नाम पर वोट होंगे तो मुझे जनता के बीच वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर विकास के नाम पर वोट होंगे। तो आज गढ़वा पूरे झारखंड ही नहीं, अगल बगल के राज्यों में भी गढ़वा के विकास की चर्चा होती है, गढ़वा विधानसभा के विकास की चर्चा होती है। पूरे झारखंड के किसी कोने में आप चले जाइए, पाकुड़ चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, चतरा चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, आप गढ़वा का नाम लीजिए, कोई भी अगर कोई जागरूक व्यक्ति है जो थोड़ा राजनीति में रुचि रखता है, थोड़ा विकास की बातें करता है, तो सहसा उनके मुंह से निकलेगा कि अरे गढ़वा का विकास तो गजब का, गढ़वा में काम हो रहा है, गढ़वा का विकास हो रहा है। और जब ये सुनता हूं तो मुझे मेरा सीना भी चौड़ा हो जाता है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी गढ़वा के विकास की, अपने हक अधिकार की, उस उम्मीद पर मैं खरा उतर रहा हूं और आगे भी निरंतर दो बार चुनाव हारा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे भी निरंतर मेरा संकल्प है कि मैं गढ़वा की सेवा हर क्षेत्र में करता रहूंगा, चाहे जनता मुझे मौका दे ना दे, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। गढ़वा की सेवा मेरा सिद्धांत है और मेरा प्रण है, बचपन का प्रण, यही अकेला हूं, साइकिल से आते थे गढ़वा से, और गढ़वा का पिछड़ापन बचपन में देखा है, चिनिया रोड
कि क्या स्थिति थी, गढ़वा की क्या स्थिति थी, वो सारा कुछ, वो दर्द मेरे सीने में बचपन का था। अगर विधायक बनने की बात होती तो बहुत, ईश्वर ने इतनी क्षमता दी थी, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी थी कि विधायक बनने के लिए बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन मैंने गढ़वा को चुना क्योंकि गढ़वा मेरे दिल दिमाग में समाया हुआ था, बचपन में से समाया हुआ था, यहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ, यहाँ के समस्याओं को सामने से देखा था, यहाँ के पिछड़ेपन को सामने से देखा था, यहाँ की गरीबी को सामने से देखा था, इसलिए गढ़वा को मैंने चुना। और आज आज मुझे बहुत सुकून मिलता है कि गढ़वा के लिए मैं कुछ कर पाया, गढ़वा को विकास का रास्ता दिखा पाया, गढ़वा की जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का भरसक प्रयास किया और आगे भी निरंतर करता रहूंगा। और इस तरह का आज अटौला को एक बड़ा स्टेडियम आज सौगात में मिला है, आगे भी अगर हम काम गिनाने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा सूची हो जाएगा। आपके मेराल प्रखंड में भी में ही अनेकों ऐसे काम हुए, अब कल ही हमारा कार्यक्रम था मेराल में, 32 करोड़ या 36 करोड़ या 32 करोड़ की लागत से हम लोग डिग्री कॉलेज बनवाने का काम कर रहे हैं। कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि, एक महिला कॉलेज तक वैसे जनप्रतिनिधियों को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए जनता के बीच, कि हमारी बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज जिला मुख्यालय में नहीं था और वैसे जनप्रतिनिधि आज घूम घूम कर और जनता के बीच जाकर और जनता को झूठ बताने का काम कर रहे हैं, दरगलाने का काम कर रहे हैं। आज महिला कॉलेज आप देखिए बनकर लगभग लगभग तैयार है, सोहबरिया में हमारा, मेराल प्रखंड में पिछड़ी जाति का आवासीय विद्यालय बनकर लगभग लगभग वो भी तैयार है, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए के वहां बोर्डिंग स्कूल इतना बढ़िया बनकर, अभी 32 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज मेराल में हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर। आज गढ़वा में कितने काम हुए ये बखान करते करते बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ये स्टेडियम बहुत जल्द अटौला ही नहीं पूरे गढ़वा की जनता को समर्पित होगा और उसका गवाह मैं बन सकूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और यहाँ इसका उद्घाटन भी मेरे कर कमलों से हो, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से मेरे कर कमलों से इस स्टेडियम का उद्घाटन भी होगा और अनेकों ऐसे ऐसी योजना धरातल पर लागू होगी। यही कहकर अपनी बातों को और एक बार फिर से अपने अभिभावक रामकृष्णा तिवारी जी को आग्रह करूंगा कि आप सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और खिलाड़ियों की को सुविधा हो और अटौला का मान सम्मान आगे बढ़े, अटौला का नाम पूरे देश में फैले, आपका आशीर्वाद मिले और रास्ता जल्दी से जल्दी दे दीजिए। यही कहकर अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जोहार आदाब, जय हिंद, जय भारत।